बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आइए सुंदर साथ जी, हमारे सेवा कारखाने के ओवरऑल कोऑर्डिनेटर जो हैं कमलेश भाई, बहुत प्रकार की विध विध प्रकार की सेवा संभालते हुए आज उनके अनुभव हम सब सुंदर साथ सुनेंगे और उनको हृदय में भी उतारेंगे। तो हम सब सुंदर साथ की ओर से मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप इस संप्रदाय में किस प्रकार से आए हैं? प्रणाम जी, श्री निजानंद संप्रदाय में किस प्रकार आपको पता लगा कि आप बचपन से आते रहे हैं या फिर अभी कुछ टाइम पहले से कैसे आ पाए? प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम पहले से ही ऐसे तो कृष्ण प्रणामी में ही थे, मेरे फादर मदर सब। और जब हम छोटे थे तब हमारे गांव में कृष्ण प्रणामी मंदिर भी है, वहां भी जाते थे। मैं सागर का पाठ भी सब पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे माया में आगे डूबते गए तो वो सब छोड़ते गए और सब हर एक पंथ में मैं जाके आया हूँ। ऐसा नहीं है जैसे माता जी में, फिर ऐसे पावागढ़ हमारे इधर से 200 किलोमीटर दूर है, वो थोड़ा माउंटेन पे है, तो वो लगभग वहाँ 1000 सीढ़ी है, वो भी हर साल चढ़ते थे ऊपर, माता जी के दर्शन करते थे। कुछ भी भौतिक प्रॉब्लम आया, कुछ भी दुख आया तो तुरंत वो मानता रखते थे, वहां जाते थे, माथा टेकते थे। और जैसे उपवास भी रखते थे, हर रविवार रखता था। कुछ एग्जाम आती थी तो भी ऐसे कर देते थे कि हमको पास करा दो, ऐसा कर दो। तो वो सब चला जब छोटे थे तब की बात कर रहा हूँ। फिर जैसे थोड़े बड़े होते गए तो फिर दूसरे भी वैसे नहीं है, जो चादर चढ़ाने का है वो तावीज नहीं बांधते। जैसे तो कोई बीमार हो गया बच्चा तो तावीज बांधते हैं, दरगाह में तो दरगाह में भी जाके आए हैं, चर्च में भी। हमारे एक फ्रेंड थे फैक्ट्री में, पहले जहाँ जॉब करते थे तो वो चर्च भी लेके जाया करते थे, चर्च में भी 2-3 बार जाके आए हैं। तो सब जगह घूमा हूँ लेकिन वहाँ कहीं भी ऐसा आत्मिक शांति नहीं मिली है, मन को शांत करने वाला नहीं। भौतिक सुख तो मिले थे, ऐसा नहीं है। भौतिक जो मान्यता रखते थे वो पूरी भी हो जाती थी, क्योंकि पूरे श्रद्धा से ही रखते थे पहले से। और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, फिर नौकरी में भी लगे, तो नौकरी में तो पूरा फिर सब बंद हो गया, क्योंकि पूरा टाइम वहीं 10-12 घंटे जाता था। तो कुछ भी जैसे नास्तिक जैसे हो गए थे, कोई मंदिर नहीं जाना, कुछ भी नहीं, ऐसा हो गया था। और फिर शादी हुई, तो शादी हुई निजादन संप्रदाय में। मेरे ससुर जो है निजादन संप्रदाय के थे, बहुत सालों से पहले, जो जयंती भाई है और मंजुला बहन है। फिर शादी हुई तो फिर वो जब यूएस से आते थे तो वो फिर जाते थे पन्नारी, तो वो बोलते थे साथ में चलो हमारे, तो मैं साथ में जाता था लेकिन कुछ करता नहीं था, वहां जाके रूम में बैठा रहता था। वो परिक्रमा भी करके आते थे, मैं तो रूम में बैठा था, मंदिर जाता था, उनके साथ में दर्शन कर लेता था, लेकिन कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। सब माया के काम में ही लगे रहते थे कि बस पैसा कमाने का ये करना है, वो करना है। और फिर ऐसे 3-4 बार पन्ना भी जाके आया उनके साथ, रतनपुरी भी गया था, जामनगर भी गया था, और मेरी वाइफ भी उसमें लगी रहती थी, वो भी चर्चाएं सुनती थी। तो मैं बोलता था कि अभी ये तुम बंद कर दो, मैं घर पे आता था तो उनको बोलता था तुम बंद कर दो, क्या लेके बैठे रहते, कुछ काम धंधा है कि नहीं, घर पे थोड़ा ध्यान रखो, बच्चों को थोड़ा ध्यान दो, ये सब बंद कर दो। ऐसे में जबरदस्ती बंद करवा देता था उनको, लेकिन आज वो लगता है कि वो गलत किया था। फिर आपकी जब जूम आईडी मिली, मेरे ससुर जो जयंती भाई है मेरे पापा, उन्होंने जूम आईडी दी एक दिन कि एक बार आप सुनो, एक ही चर्चा सुनो पहले दिन की, आपको ठीक लगे तो सुनना आगे, नहीं तो फिर बंद कर देना, हम आपको कुछ फोर्स नहीं करने के। तो फिर उन्होंने जूम आईडी भेजा, मैंने भी आपकी चर्चा देखी दीदी, और इतना आनंद आया कि पूछो मत। वो दिन आज भी मेरे दिन दिल में अंकित है, वो पहली जो आपकी चर्चा थी, वो जो अपना इस जो चर्चा थी आपकी पहले दिन की,
व्रज लीला की शुरुआत वहां से हुई कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा निज धाम कहाँ है, मूल घर कहाँ है और हमें जाना कहाँ है, हम इधर क्यों आए हैं, वो पहले दिन की चर्चा आज भी मुझे याद है। तो फिर ऐसे अंकित हो गई कि ये तो कुछ अलग ही ज्ञान है और आपने इतने अच्छी तरीके समझा रहे थे जैसे जैसे सीधे दिल में उतर जाता था। तो फिर मैंने निश्चय किया कि अभी तो ये करना ही, और धीरे 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 आपकी सब चर्चा सुनते गए और उसमें डूबते गए तो ये सब माया भी थोड़ी थोड़ी छूटती गई। और जब हम ये फैक्ट्री अभी की थी 3-4 साल पहले तो उसमें भी 12-12 घंटे काम कर रहे थे, टाइम ही नहीं मिलता था, लेकिन जब से ये निजादन संप्रदाय से जुड़े हैं तो टाइम ही टाइम है, सब काम थोड़े थोड़े ऑटोमेटिक हो जाने लगे। और धनी की इतनी मेहर हो रही है कि पूछो मत, दिल में अंदर से इतना आनंद आ रहा है कि पहले तो मैं 7-7:30 बजे उठता था और बार बार उठाते रहते कि उठो उठो जल्दी करो अभी बच्चों को छोड़ने जाना है, लेकिन आज 5:30-5:15 बजे उठ ही जाता हूँ ऑटोमेटिक, नींद भी अच्छी आ जाती है, पहले नींद भी नहीं, रात को 3 बजे जाग जाता था, कभी कभी ऐसा होता रहता था, मानसिक थोड़ा वो टेंशन रहता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री माइंड हो गया है। तो ये जुड़ने से बहुत अच्छा हुआ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है और वेरी ऑनेस्टली उन्होंने बताया कि वो क्या क्या करते थे कमलेश भाई और अब कैसे चेंजेस आए हैं। तो भाई एक बात और बताइए कि बिफोर आपने बहुत सारी सेवाएं जिसको मैं सर्वरस सागर की तरह अनंत कहूंगी, इस प्रकार की सेवाएं आप हर कारखाने में जा जाके सुंदर साथ को प्रेम भी बांटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बांटते हैं, फिर उनको पूछते भी हैं कि ये हो गया नहीं हुआ, आपके पास समय नहीं है तो मैं कर देता हूं, इस प्रकार की भावना से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और इस प्रकार का सुंदर साथ का प्रेम आपने तो सुंदर साथ को दिया ही है। सुंदर साथ जब आपको इतना प्रेम देते हैं, अभी आप श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा जाकर आए, उस प्रेम को आपने महसूस किया कि सुंदर साथ कितना प्रेम दे रहा है, तो आपको कैसा लगता है? वो जो सुंदर साथ प्रेम देता है उसका तो कोई शब्द नहीं है, इतना अंदर से भाव आ जाता है कि पूछो मत, पहले ऐसे कभी हमने लाइफ में आज के 38 ईयर्स हो गए कि ऐसा लगा ही नहीं था कि कोई इतना भी प्रेम कर सकता है हमको, इतना दिल से लगा करते, क्योंकि पहले उनको हमने कभी देखा नहीं है, कभी बात नहीं की है, कभी पहचाना भी नहीं कि कौन है कहाँ से है, फिर भी उतना प्रेम करते हैं कि पूछो मत। मैं जैसे लिखता हूँ उनको, कभी कभी आपने बोला कि ये शेयर कर दो तो तुरंत उनका आ जाता है हाँ भाई, ऐसे प्रेम से भाई लिखते हैं तो ऐसा अच्छा लगता है, दिल को ऐसा अंदर से महसूस होता है, क्या बताऊँ, शब्दों में वो वर्णन नहीं है उसका, जैसे परम धाम का आनंद का जो हम इधर वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे ऐसा इधर प्रेम मिल रहा है जैसे परम धाम का ही ये इधर प्रेम उतर आया हो। और सही बात है। हाँ जी। और दीदी, पहले जब दूसरी ही आपकी चर्चा में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने जोश के आवेश के बारे में बताया था, तब तुम वो कुछ मालूम नहीं पड़ा था, लेकिन फिर आपने वो पूरा एपिसोड लेके समझाया और फिर क्वेश्चन का टर्न आया था पूछने का, आप जो सहयोगिता रखते हो उसमें भी मेरा नाम आपने पहले रख दिया था कि आप क्वेश्चन पूछो, तब से ये सिलसिला चालू हुआ है सेवा का, तब से अच्छा ऐसा अच्छा लगा कि ये कुछ करे कुछ लिखे, और वो जो भी मैं सेवा कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे दिल में उतर जाए इसलिए कर रहा हूँ कि मैं लिखूँ टाइप करूँ तो मेरे दिल में उतर जाए ये सब, इसलिए मैं कर रहा हूँ, दूसरा कुछ उसका वो नहीं। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, वेरी ब्रॉड, बिल्कुल ऑनेस्ट जो विचार आपने दिए कि पहले मैं रोकता था और अभी पिंका जी से मेरी बात हुई एंड शी सेड वेरी ऑनेस्ट, पूरा परिवार बहुत ईमानदार सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा पहले तो कमलेश भाई मुझे रोका करते थे, अब मुझे जेलस होती है अंदर से कि वो तो आते ही वाणी लेकर बैठ जाते हैं और मैं वाणी लेकर इतनी जल्दी नहीं बैठ पाती हूँ, फैक्ट्री से आते ही उनके हाथ में ब्रह्म वाणी होती है और अभी जब श्री बीतक साहब चर्चा हो रही होती है तब भी वो बीतक की PDF खोल कर बैठे होते हैं सुंदर साथ जी, ऐसे प्यारे सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम,
क्योंकि आपको एक ही पता है ना टाइपिंग की, तो इसलिए उन्होंने टाइपिंग की ही बताया है। पर सुंदर साथ जी, सेवा के 8 कारखाने खुल चुके हैं और उन 8 को कितनी सुंदरता से कमलेश भाई संभाल रहे हैं, उसके लिए आपकी ऋणी हूं मैं भाई, आपके चरणों में प्रणाम जी। पहला मैसेज मुझे कमलेश भाई की ओर से प्राप्त हुआ था कि दीदी रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई हो, और मुझे अंदर इतनी प्रसन्नता हुई थी कि यहाँ पर धनी ने लौकिक नाते भी कितने प्यारे प्यारे दे देने हैं। आज मुझे अपने भाई से पहले मुझे कमलेश भाई का नाम याद आता है, मुझे देव जी का नाम याद आता है, मुझे दुष्यंत भाई का, श्रीनिवास अंकल का, मुकेश भाई का, और सारे भाई जो यहाँ पर बैठे हैं ना, श्याम भैया का, मुझे उनका नाम पहले याद आता है, और तन के लौकिक से जो मेरा भाई है ना, उसका नाम मुझे बाद में याद आता है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। और कमलेश भाई, आप हम सुंदर साथ को, आज की युवा पीढ़ी को, सुंदर साथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे दीदी, जैसे मैं भटका हुआ था अभी तक, अभी 6 महीने से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ, अभी ज्यादा नॉलेज भी मालूम नहीं है, जो दीदी आपने बताया उतना ही मालूम है, बाकी कुछ पढ़ा भी नहीं है अभी तक। तो थोड़ा सा ये 6 महीने में वो अनुभव किया है कि जो युवा पीढ़ी है उनको ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान कैसे मिले, उनको कैसे इधर थोड़ा मुड़ा जाए, और क्यों मुड़ना है युवाओं को, क्योंकि अभी युवा सब उनको क्या है कि अभी अभी बड़े हुई है, तो उनको ये भौतिक सुख की ज्यादा लाल वो होती है कि हमको ये पैसा मिले, हम गाड़ी लाए, ये सब भौतिक, और आत्मिक का उनको थोड़ा ज्ञान नहीं है। तो थोड़े बड़े उनको आत्मिक की तरफ ढांचे कि चलो थोड़ा मंदिर ले जाए, थोड़ी चर्चा सुनाए धीरे धीरे करके, तो वो पहले से जैसे आत्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहेंगे, तो उनको पूरा जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी। अभी क्या, आज के हुआ पूरे टेंशन में जीते हैं, क्योंकि लाइफ थोड़ी फास्ट हो गई है, चैलेंजिंग हो गई है लाइफ थोड़ी बहुत ही। तो जैसे युवा इससे जुड़ेंगे, ज्ञान लेंगे, तो उनको पता चलेगा कि ये जो एक जो खेल बना है ये नश्वर है, खेल ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो वो थोड़ा मानसिक फ्री रहेंगे और उससे अच्छा काम होगा उनका, उनकी लाइफ और अच्छी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरव्यू। और मुझे लगता है कि ये मीठी बत्तियां जो सखियां यहाँ पे कर रही हैं ना कोई इंतजार कर रही हैं, कोई ना कोई रोई इनसे मुड़ने के लिए इंतजार कर रही हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी।